Dipanshi, kindly accept the request. I have sent it you. Hi, Dipanshi, how are you? Hi, how are you? I'm good. Thank you for joining us and guiding our young advocates. They are very excited and I'm receiving a lot of messages. Great pleasure, great pleasure. Thank you. Thank you for inviting me on such a great platform. So let's start our session. Firstly, I would like to introduce you and give a little brief about you. Okay, मैं हिंदी में बोलती हूँ, किसी ने बोला हिंदी में बोलूँ कैसे? Okay, okay. Dipanshi founder है Legal Bees Law Institute की. She is also an advocate at Delhi High Court. और वो बहुत regular classes लेती है. She is a great and brilliant teacher, I must say. Thank you, Dipanshi, for joining. It really means a lot. थोड़ा सा brief आप भी बता दीजिए अपने बारे में. Sure, sure. So guys, as she has already told you that my name is Dipanshi. I'm Dipanshi Sethi and I am basically more into teaching and I go to courts as well. I'm not much active in practice, but yeah, I'm more active in giving coaching. So I give coachings to the law students for judiciary classes, for semester classes. So whole, you can get everything in under one room. तो आपको लॉ से रिलेटेड कोई भी अगर गाइडेंस चाहिए, चाहे वो यूजी क्लैट है या फिर वो मतलब सेमेस्टर एग्जाम्स है या फिर वो जुडिशरी है, तो उसके लिए आपको सब कुछ अंडर वन रूफ मिलेगा यहाँ पर लीगल बीस इंस्टीट्यूट के अंदर. सो आपने देखा होगा कल मैंने एक आई थिंक शेयर भी किया था वीडियो दैट स्टार्टेड सेमेस्टर. यस, दैट वाज अ वेरी नाइस इनिशिएटिव. वी वुड लाइक टू टॉक अबाउट इट इन आवर लेटर ऑन. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर सेशन. श्योर श्योर श्योर. So firstly, I would like to ask you, Legal Bees is such an innovative name. How did you come up with it? Actually, I was a big fan of Gaurav Taneja. You must have heard the name of Gaurav Taneja. He is the owner of Flying Beast. He is the founder of Flying Beast Channel. So I used to follow them. So as the name was so innovative, so I thought that I should come up with something like that. So that's why I thought that I will come with the name Legal Bees. Yeah, very nice. It is such an innovative name. Yeah. So Dipanshi, let's start with our session. So what do you think is the best time when the students should start preparing for judiciary? See, देखो जुडिशरी ना स्टार्ट करने का एज सच कोई टाइम नहीं है. आई वोंट से कि आज की टाइम बेस्ट है या कॉलेज के टाइम पे आप नहीं कर सकते जुडिशरी के जिस समय सेमेस्टर चल रहे हैं. सी नो डाउट प्रेशर बहुत ज्यादा होता है. लाइक जो कॉलेजेस, कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे बिल्कुल प्रेशर नहीं होगा आपको, जहाँ पे मतलब टीचर्स जो है दे आर लाइक बस एग्जाम्स के टाइम पे आप कॉलेज में अच्छा स्कोर करो एंड वी आर ओके विद इट. बट देयर आर फ्यू कॉलेजेस जहाँ पे करिकुलर एक्टिविटीज बहुत ज्यादा है, तो वहाँ पे नो डाउट आप लोगों का प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है. बट आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप कॉलेजेस के अंदर कॉलेज करते करते आप प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं कर सकते. मैं तो इनफैक्ट ये सजेस्ट करती हूँ, देख देखो स्टार्टिंग का एक दो साल जो होता है ना, इफ यू आर गोइंग इन फाइव ईयर, तो हर किसी को वो एक कॉलेज का एनवायरमेंट इंजॉय करने का मूड होता है, सबको होता है. तो मैं ये नहीं कहती कि आपको इंजॉय मत करो, गो फॉर इट. स्टार्टिंग के एक दो साल जो है वो इंजॉयमेंट करो, बिल्कुल कुछ मत करो. लेकिन उसके बाद थर्ड ईयर से आई थिंक इट इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट दी प्रिपरेशन, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपको कोई बर्डन ज्यादा नहीं होता है. आपके पास ये होता है कि जैसे आप एक आपका फ्लो बना हुआ है स्टडीज का, और जैसे जैसे आपका फ्लो नहीं होता ना अगर, तो उससे आपको प्रिपरेशन करने में बहुत ज्यादा टफ होता है. बट अगर आपका एक फ्लो बना हुआ है ना स्टडीज का, तो इन बिटवीन अगर आप प्रैक्टिस करते जाओगे, प्रिपरेशन करते जाओगे, तो डेफिनेटली जैसे यही होता है कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन वैकेंसी आई है ना, उस दिन आपके माइंड क्या, उस दिन आपके पास ये नहीं होना चाहिए कि मैं प्रिपेयर नहीं. आपको बस प्रिपेयर्ड रहना है. वैकेंसी जैसे ही आएगी, यू शुड बी लाइक कि मैं प्रिपेयर्ड हूँ, आई एम एलिजिबल, आई विल गो फॉर दिस. तो जिस दिन दिल में आ जाए कि आज जुडिशरी की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, उस दिन बस कर दो. कोई सही टाइम नहीं होता. कई लोग होते हैं कि जुडिशरी मतलब पूरी लॉ खत्म होने के बाद स्टार्ट करते हैं, ये भी उनको लगता है कि नहीं प्रैक्टिस नहीं जम रही है तो तब करते हैं. और कुछ लोग होते हैं जो बीच में कर देते हैं, तो देखो कोई गलत टाइम नहीं है, आप कभी भी करो. बट इट्स जस्ट कि आप जब स्टार्ट कर रहे हो तो आपको एकदम फोकस रहना है कि अब यहाँ से लेके अगले डेढ़ साल तक मुझे सिर्फ किताबों में रहना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स, बुक्स, जजमेंट ये सब पढ़ना है, लॉ पढ़ना है बस, और कुछ नहीं करना है. तो अगर आप डेढ़ साल अपना डिवोट कर देते हो ना, तो आप डेफिनेटली अपना पूरा क्लियर कर जाते हो एग्जाम.
यस डेफिनेटली, आपने बहुत सारी इनसाइटफुल वे बता दी. इसकी देयर इज नो बेस्ट टाइम बट इट इज द डे व्हेन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग. सो जैसे कि जुडिशरी जो है वो कहते हैं कि बस एक एक्सीलेंट स्टूडेंट ही क्लियर कर पाते हैं, इज इट ट्रू? नहीं, आई वुड नॉट से. बल्कि अगर आप रिजल्ट निकाल के देखोगे ना तो जितने भी मतलब एक्सीलेंट स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या होता है, अगर आप कॉलेज के अंदर भी देखोगे, पहली बात तो ये होता है कि अगर 11 12th में देखोगे तो वहां पे जो एक्सीलेंस होता है ना वो सारा चला जाता है साइंस स्ट्रीम में, ठीक है. और जो बच्चे कुछ होते हैं वो कहते हैं हम किसी और प्रोफेशनल कोर्स में चले जाएंगे, ठीक है. बट अगर आप देखोगे कि लॉ के अंदर जो एक्सीलेंस जो है, जो भी एक्सीलेंट स्टूडेंट्स हैं लॉ के अंदर, उनके अंदर से भी जो मोस्टली एक्सीलेंट स्टूडेंट्स होते हैं ना वो मोस्टली प्रेफर करते हैं कि जो कॉलेज की आपकी प्लेसमेंट होती है वो कॉर्पोरेट में चले जाते हैं. तो जो जिनको लगता है कि नहीं हमने हम अगर एक्सीलेंट स्टूडेंट नहीं रहे हैं थ्रू आउट आर करियर, थ्रू आउट आर कॉलेज लाइफ, थ्रू आउट आर स्कूल लाइफ, तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते. बल्कि एक एवरेज स्टूडेंट जो होता है मुझे लगता है वो ही ज्यादा स्कोर करते हैं इन हार्ड वर्क से और डिटरमिनेशन से. और जल्दी ज्यादा मिल चुका होता है ना एक मतलब इतना ज्यादा उनके पास होता है कि नहीं हमने यहाँ कुछ नहीं किया वहाँ कुछ नहीं किया, तो उसके बाद वो लोग लग जाते हैं ना जब तो वो क्लियर कर ही जाते हैं. तो ऐसा एक्सीलेंट कर सकता है. ओके वेरी नाइस, इट वाज अ नाइस आंसर टू. सो जैसे हम कैसे प्रिपेयर करें मेंस के लिए और इंटरव्यूज के लिए, कोई एनी टिप्स की जैसे अप्रोच होते हैं, कहते हैं बहुत डिफिकल्ट होता है नॉर्मल उससे, तो क्या टिप्स देना चाहोगे आप? देखो जुडिशियरी के एग्जाम्स के अंदर देयर आर थ्री स्टेजेस, लाइक फर्स्ट इट स्टार्ट्स फ्रॉम प्री एग्जाम एंड देन देयर विल बी मेंस एंड देन देयर विल बी इंटरव्यू. तो मेरे को ऐसा लगता है कि पहली चीज तो सबसे पहले जब आप माइंड सेट कर रहे हो अपने जुडिशियरी एग्जाम देने के लिए तो आपको अपने माइंड में कोई भी ब्लॉक नहीं रखना चाहिए. देयर शुड बी नो ब्लॉक इन योर हेड कि मुझे एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए जाना है. ठीक है, आप अपनी प्रेफरेंस रखो कि मुझे एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए जाना है. लाइक यू विल आस्क 90% ऑफ स्टूडेंट्स आर टाइम टू गेट क्लियर दिल्ली जुडिशियरी और हरियाणा जुडिशियरी, ये दो स्टेट के लिए एवरीवन इज ट्राइंग. तो आपको ना अपने लिए अपना जो एक एरिया है ना उसको ब्लॉक मत करो कि मुझे सिर्फ इन्हीं दो स्टेट के लिए जाना है. Go for every single state. क्योंकि you never know आपका कहाँ पर clear हो जाए. Plus ये भी होता है कि हो सकता है कि किसी और state की vacancy आ रही है but जिस state में आपने जाना है उसकी vacancy नहीं आ रही है. So अपने आप को block तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए. And सबसे पहले जब आप पढ़ रहे हो तो पढ़ने के time पे आपको mains और interview तीनों को mind में रख के पढ़ना है. जब आप start कर रहे हो तो सबसे पहले आप start प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन पेपर को निकालना चाहिए हमें. उनमें देखो कि बेसिकली आ क्या कह रहा है. ठीक है, मेंस के क्वेश्चन पेपर्स निकालो, उनमें देखो कि बेसिकली कहां से आ रहा है. प्लस इंटरव्यू में तो आपको वो तो आपको इंस्टीट्यूट वाले ही गाइड कर सकते हैं बिकॉज फॉर दैट देयर इज नो एनी मटेरियल ऑनलाइन और ऑफलाइन, कहीं पे भी आपको कुछ मटेरियल नहीं मिलेगा. बट यस, और अगर हम प्री की बात करें तो देखो प्री में क्या होता है कि आपके ना कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं वो क्लियर होते हैं. अगर आप जुडिशरी के लिए पढ़ रहे हो तो ऑब्वियसली आप इतना तो इजीली पढ़ के जाओगे नहीं, डीप में पढ़ना पड़ेगा आपको. बट होता क्या है कि जब आप प्री में पढ़ के जाते हो ना तो आपको आता तो होता है लेकिन ना आप पेपर में ना गलत आंसर करा दो, एक तो प्रेशर होता है, एग्जाम का प्रेशर होता है. प्लस प्री के अंदर तो प्रॉब्लम ये होती है कि वो आपको क्वेश्चन भी ऐसे देंगे जहाँ पे आपको दो तीन ऑप्शन लग रहे हैं कि ये भी ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है. तो इसलिए हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने पढ़ लिया काफी है. जितना ज्यादा से ज्यादा आप प्री के पेपर सॉल्व करोगे ना उतना ज्यादा से ज्यादा आप प्रिपेयर होगे एग्जाम के लिए. तो कभी भी अपने आपको सिर्फ इतना वो नहीं करना चाहिए. लाइक हम लोगों के साथ क्या होता था, हम लोग जब स्कूल में भी पेपर देते थे या कॉलेज में भी देते थे हम लोगों को लगता था सब आता है. बट जब हम सैंपल पेपर सॉल्व करने बैठते थे तो हम लगता था नहीं 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 आता हमें. अरे ये नया क्वेश्चन आ गया, ये कुछ आउट ऑफ सिलेबस है. राइट, और अगर आता है तो हमारा ऑब्वियसली मोटिवेशन बूस्ट होगा, मोरल बूस्ट होगा. अगर नहीं आता है तो आपको पता है कि नाउ वेयर यू आर स्टैंडिंग राइट नाउ और आपको कहाँ पहुंचना है, तो उसके लिए वर्क हार्ड करो. और ठीक है, मेंस के लिए देयर इज नो शॉर्टकट. मेंस के लिए दो तीन चीजें हैं जो कि आपको फॉलो करनी ही पड़ेगी. लाइक पहली चीज होती है आप जितनी ज्यादा से ज्यादा जजमेंट्स करोगे, क्योंकि
जो हम लोग लेमन लैंग्वेज बोलते हैं उन लेमन लैंग्वेज के अंदर हम लोग लीगल टर्म्स यूज नहीं करते हैं एंड वी कांट कंपेयर आवरसेल्फ इवन विद द हाई कोर्ट जजेस जो लैंग्वेजेस को यूज करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं लाइक आई एम अ बिगेस्ट फैन ऑफ जस्टिस चंद्रचूड़ मैं तो गॉड एवरीवन इज आई सपोज आफ्टर हिज जजमेंट नाउ ही इज कमिंग अप विद द जजमेंट बैक ऑन बैक एकदम से अच्छी जजमेंट्स आ रही है राइट एंड नॉट जजमेंट्स को मतलब उनके जजमेंट्स अगर आप पढ़ोगे ना यू विल गेट इनफ मटेरियल टू राइट इन योर आंसर्स उनके जो मतलब YouTube पे जो वीडियोस आते हैं मोटिवेशनल वीडियोस होते हैं या फिर किसी सेमिनार में अगर कुछ बोल रहे होते हैं वो उनसे भी इतना अच्छा बोलते हैं कि वो आप अपने आंसर ना लिख के आओगे ना तो आप जज तो पक्का बनोगे तो आपको मतलब दो तीन चीजें हैं जो करनी है जजमेंट्स पढ़नी होती है जिससे यू विल गेट गुड मटेरियल देन स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए जजमेंट्स पढ़ रहे हैं तो उसमें से जो भी उनको अच्छी चीजें मिल रही हैं जस्ट उसके लिए एक नोटबुक बनाओ उसके अंदर वो टर्म्स लिखते जाओ ताकि वो टर्म्स आप लेटर ऑन अपने आंसर में यूज कर सको देन आपको रिसेंट जजमेंट से अपडेटेड रहना पड़ता है कि आप अपने आंसर्स को क्योंकि आप बुक्स अगर पढ़ोगे खाली तो बुक्स में आपका आंसर गलत भी हो सकता है क्योंकि दोज आर नॉट अपडेटेड बट रिसेंट जजमेंट जो है कई बार वो लॉ ही बदल देती है पूरा कंप्यूटर इन प्रैक्टिस और ये तो हम लोगों को भी करना पड़ता है लाइक अगर हम प्रैक्टिस की भी बात करो जो यंग एडवोकेट्स और बाकी लोग भी पूछते हैं कि जजमेंट्स जो है वो इतनी बड़ी बड़ी आती है जैसे अयोध्या केस की देख लो कितनी बड़ी जजमेंट थी 2000 पेजेस की और ऐसे और अलग अलग आती है तो कैसे हम जजमेंट्स पढ़े क्या बेस्ट वे आउट है कि हम जजमेंट्स पढ़े देखो जजमेंट्स पढ़ने के लिए ना जो ये बहुत बड़ी बड़ी जजमेंट्स है अगर आप इनके आप एससीसी देखोगे या फिर जो बाकी उन पोर्टल्स के अंदर अगर आप देखोगे ना तो उन पोर्टल्स के अंदर आपके जो समरी पॉइंट्स होते हैं ना वो ही इतने ज्यादा सफिशिएंट होते हैं कि वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी सफिशिएंट रहेंगे प्लस हम प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो सफिशिएंट रहते हैं तो वो जो समरी पॉइंट्स होते हैं वो ही सफिशिएंट होते हैं और अगर जो छोटी जजमेंट्स है उनको तो आई डोंट थिंक सो तो पढ़ने में प्रॉब्लम होती है पर एक बार अगर आपको आदत पड़ जाती है ना जजमेंट्स पढ़ने की तो फिर आपको मजा आने लग जाता है तो जुडिशियल स्टूडेंट्स के लिए तो आई थिंक ये है कि इनफैक्ट मैं खुद मेरे साथ ये होता है क्योंकि मुझे पढ़ाना होता है तो इनफैक्ट मैं भी ये कहती हूँ कि मेरे फोन में इनफैक्ट मेरे स्टूडेंट्स जो है ना वो मेरा मजाक उड़ाते हैं कि मैम आपका फोन जो है ना वो लाइब्रेरी है आपके फोन में सब मिलता है तो लिटरली मैं तो यही करती हूँ फोन में आप अपनी जजमेंट्स को सेव करो और उन जजमेंट्स को जब आपको टाइम मिले आप उनको पढ़ो एग्जैक्टली तो ये तो आई थिंक आप लॉ फील्ड में जिस दिन एंटर करते हो ना उस दिन से आपके लिए स्टार्ट हो जाता है जिसके थ्रू लेटेस्ट लॉज हम अपडेट रहते हैं तो आप कौन सी यूज करते हो जैसे मैं लाइन लॉ प्रेफर करती हूँ तो CRPC. So, उसकी कुछ छोटी छोटी चीजें जो होती है ना वो आप
जो
अगेन जजमेंट को रेफर करो, मैं तो यही सजेस्ट करती हूँ. तो जितना ज्यादा हो सके बुक्स को रेफर मत करो, जितना ज्यादा हो सके जजमेंट करो. यस एग्जैक्टली. सो जैसे अब आपके पास भी स्टूडेंट्स होंगे या जो बहुत यंग स्टूडेंट्स होते हैं जो अभी बस लॉ में आए होते हैं, तो उन सबका क्वेश्चन होता है मैम इतने सारे एक्ट्स हैं, इतने सारे सेक्शंस हैं, ऑर्डर्स हैं, कैसे याद करें? तो कोई उनको टिप आप देना चाहोगे? डेफिनेटली ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि हर एक लॉ स्टूडेंट के माइंड में होता है. नॉट जस्ट लॉयर बल्कि जो लेजेंड होते हैं ना उनका भी पहला क्वेश्चन ये होता है यार कितने सारे सेक्शंस हैं कैसे याद करते हो. सही में तो मेरी क्या ट्रिक रहती है, मैं तो ये सोचती हूँ कि देखो आप ना इंस्टेड ऑफ लर्निंग दी सेक्शन आप चैप्टर्स याद कर लो. कि जैसे जो चैप्टर्स होते हैं उसके अंदर डिवाइड हुआ हुआ होता है पेयर एक्ट हमारा, तो इंस्टेड ऑफ लर्निंग दी सेक्शंस आप पेयर एक्ट के ना चैप्टर्स याद कर लो. तो उससे क्या होता है कि देखो एक तो ये चीज होती है कि जब आप बहुत बारी पढ़ते हैं, लाइक अगर आप जुडिशरी के लिए अगर आप पेपर देने जा रहे हो तो एटलीस्ट आपको 8 से 10 मई तो पेयर एक्ट पढ़ना ही है, तो आगे चीजें तो आपको याद हो जाएंगी. बट अगर आपको चैप्टर्स याद है ना तो उससे क्या हो जाएगा कि अगर सपोज पेपर में कोई क्वेश्चन आता भी है तो उससे ये बेनिफिट हो जाता है कि मतलब जैसे सपोज कोई क्वेश्चन आया तो जो मिलता जुलता आसपास का सेक्शन होगा ना वो आप अपना आंसर जो है करेक्टली उसके अंदर लिख के आ सकते हो. तो फ्री में तो ये कर सकते हो आप. बट मेंस के अंदर तो आई वुड सजेस्ट कि देखो सारे सेक्शन याद करने जरूरी नहीं होते हैं. आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट हम भी रोबोट तो है नहीं, वी ऑल आर ह्यूमन, तो सब कुछ याद करना. तो अगर मैं ये कहूँ कि बीइंग अ टीचर मुझे सब याद है, मुझे भी याद, हम सब में से कोई भी याद नहीं कर सकते, दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल. बट हाँ जो इम्पोर्टेंट सेक्शन होते हैं ना वो हम इतनी बारी पढ़ते हैं कि वो ऑटोमेटिकली धीरे 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 हमें याद होने शुरू हो जाते हैं. क्योंकि आप भी देखते होंगे कि हम कोर्स में कैसे बात करते हैं कि ये वाले ऑर्डर में ऑर्डर फाइल कर रहे हैं, हम ये भी बताते हैं कि ऑर्डर के अंदर क्या लिखा है, हम नंबर बोलते हैं फिर अभी हम है ना. तो वो हम चीज़ हम लोगों को वो चीज़ें याद होनी शुरू हो जाती है. तो जब धीरे 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 होता है तो वो याद ही हो जाती है. तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं आती है. बट हाँ स्टार्टिंग में एक प्रेशर लगता है, बट आप जब पढ़ते जाते हो तो वो चीज़ें याद हो जाती है साइमल्टेनियसली. बट चैप्टर याद कर लो स्टार्ट रीडिंग एंड थरो विद द जजमेंट्स. हर रोज तो जजमेंट में वही ऑर्डर सेक्शन रिपीट होते रहते हैं, राइट? उससे ही हमारे माइंड में बैठनी शुरू हो जाती है. और एक बार जब जब कोई चीज माइंड में आ जाती है तो उसको बस रिविजन चाहिए होता है. बिल्कुल. सो मैंने आपका अभी स्टेटस देखा, आपने थोड़ा मेंशन भी किया कि आप सेमेस्टर क्लासेस अब स्टार्ट करने वाले हैं, व्हिच इज योर न्यू वेब. सो वुड यू लाइक टू थ्रो सम लाइट अपॉन इट? या डेफिनेटली. एक्चुअली होता क्या था कि मेरे पास काफी ज्यादा क्वेरीज आई थी कि मैम आप सेमेस्टर क्लासेस ले लीजिए. तो उसके अंदर प्रॉब्लम क्या होता था कि जुडिशरी के अंदर आपको बहुत डिटेल में पढ़ाना पड़ता है. तो अब उसी क्लास के अंदर अगर आप सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स को बिठाएंगे ना तो वो बेचारा तो डर जाएगा वैसे ही. कि मतलब बीइंग अ सेमेस्टर स्टूडेंट उसको ये लगेगा कि इतना सारा अगर सेमेस्टर में आएगा तो कितना ज्यादा पढ़ना है. ज्यादा डिटेल में सेमेस्टर्स के लिए तो भी वे इकोनॉमिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं होती है. सेमेस्टर्स के लिए इट्स जस्ट कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए. उसके लिए आपको नंबर ऑफ जजमेंट्स नहीं चाहिए. यू डोंट हैव टू सॉल्व नंबर ऑफ क्वेश्चंस. लाइक जो जुडिशरी की क्लासेस होती है हमारी उसके अंदर हम आंसर राइटिंग बहुत ज्यादा कराते हैं. बट वो जो आंसर राइटिंग होता है और जो सेमेस्टर का आंसर राइटिंग होता है उसमें बहुत डिफरेंस होता है. लाइक हम लोग भी जब थे कॉलेज में तो हम लोग क्या करते थे, आंसर राइटिंग के अंदर जितना ज्यादा लिख के आ सकते हैं उतना ज्यादा लिखो. जुडिशरी के एग्जाम के अंदर तो आपको सिर्फ उतना पढ़ना है जितना वो सुनना चाह रहे हैं. क्योंकि वहां पे जो बैठे हैं दे आर बेसिकली सुपर, उनके पास सब नॉलेज है. बस आपको ये दिखाना है दैट यस आई आपके पास भी नॉलेज है. यस. सो वो सीट जो है वो मुझे बिलोंग करती है. तो बस आपको ये प्रूव करना है वहां पे जाके. तो इसलिए ना बहुत ज्यादा मेरे पास क्वेरीज आ रही थी बट आई वाज नॉट एबल टू टेक देयर क्लास. सो दैट्स व्हाई वी डिसाइडेड कि अब ये जो नया सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा है सितंबर से, सो इस सितंबर वाले सेमेस्टर के अंदर वी विल टेक द सेमेस्टर क्लासेस एज वेल. बिकॉज अच्छा इससे ना एक बेनिफिट और भी होगा स्टूडेंट्स को कि सपोज जो स्टूडेंट आज सेमेस्टर से क्लासेस ले रहे हैं उनका ना थोड़ा बर्डन कम हो जाएगा इन केस इफ दे वांट टू गो फॉर जुडिशरी लेटर ऑन. स्टूडेंट्स होते हैं ना हमेशा कंफ्यूज होते हैं ये
इंस्पिरेशन तो हमेशा चाहिए होती है राइट, तो वो हमेशा कंफ्यूज होते हैं। आई वुड नेवर, आई नेवर सजेस्ट फॉर दिस स्टूडेंट्स, इनफैक्ट मेरे पास कई स्टूडेंट्स आते हैं जो एडमिशन लेने आते हैं लेकिन मैं उनको कहती हूँ कि नहीं, आई डोंट थिंक सो, यू शुड गो फॉर ज्यूडिशरी, डोंट गो फॉर इट। तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम ना, जब वो यहाँ पे कोचिंग ले रहे होंगे सेमेस्टर्स के लिए, तो आई कैन गाइड देम बेटर कि आप इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर दैट यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दिस थिंग एंड गो फॉर कॉर्पोरेट जॉब और फॉर लिटिगेशन, क्योंकि इन दैट मीन्स अगर आप ऑब्वियसली अगर आप पहले से ही तैयारी कर रहे हो तो उसके ऊपर टाइम नहीं वेस्ट होता, जैसे हम लोगों का काफी टाइम वेस्ट हुआ होगा मे बी लेटर अर्लियर कि हम लोगों ने कभी कुछ किया कभी कुछ किया, तो हम लोगों का मे बी टाइम वेस्ट हुआ है बिकॉज देयर वाज नो वन टू गाइड अस। बट अगर उनको स्टार्टिंग स्टेज से ही गाइडेंस मिल रही है ना तो उनका टाइम बहुत बचेगा, प्लस सेमेस्टर्स कोर्स तो ऑब्वियसली मैटर करते ही हैं। इफ यू आर वांट टू गो फॉर ओल्ड माइन कंपनी और बैंक जॉब चाहिए अगर आपको, तो आपका एटलीस्ट 60 स्कोर तो होना चाहिए, विदाउट 60 स्कोर यू कैन नॉट अप्लाई इवन। तो लाइक गाइडेंस एंड डायरेक्शन आल्सो आप साथ में देते हैं अपनी कोचिंग के भी, बिल्कुल। सो ये कब स्टार्ट हो रहा है आपका प्रोग्राम और कैसे इनरोल करवा सकते हैं अगर किसी को इनरोल करवाना है सेमेस्टर क्लासेस के लिए? जो सेमेस्टर क्लासेस हैं इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 15th ऑफ सितंबर एंड इफ एनीवन वांट्स टू इंक्वायर अबाउट द सेम देन द लिंक इज देयर इन माय चैनल डिस्क्रिप्शन, so they can get the they can get enrolled by filling that form and moreover judiciary batch is also starting, one new judiciary batch is also starting from September. Oh, that's wonderful. Yeah, so one judiciary batch is also starting in September only, so if they want to enroll for that they can enroll for that as well, so both will be there. Okay, thank you. And just one last question I would like to ask, ki any one tip or suggestion you would like to give to the young advocates and lawyers? Young advocates ke liye dekho aap ek inspiration ho, to kisi ko bhi ye nahi sochna chahiye ki agar aap first generation lawyer ho to aap kuch nahi kar sakte ho, kyunki hard work sab kuch kar sakta hai, agar aap hard working ho to aap sab kuch kar sakte ho, to kabhi bhi apne mind mein ye cheez ko kabhi bhi mat lao कि आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर हो, आपका कोई बैकएंड नहीं है, कोई सपोर्ट करने के लिए नहीं है। तो मेरे फैमिली में बहुत ही सारे लॉ फील्ड में है बट मैं उस फील्ड में हूँ जहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं था, तो मेरे पास लिटिगेशन में जाती तो शायद मेरे लिए बहुत ईजी रहता अपना करियर बनाना, बट आई चूज समथिंग जो कि जहाँ पे कुछ अलग हो, कुछ अच्छा हो, कुछ मतलब एडवेंचरस हो, तो कुछ डिफरेंट हो। एग्जैक्टली, तो आपको यहाँ पर आपका कोई बैकग्राउंड नहीं था लॉ में एंड स्टिल यू आर डूइंग सो गुड, सो यू आर एन इंस्पिरेशन एंड देयर आर नॉट मेनी अदर लॉयर्स एज वेल जो कि बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, सो इट्स जस्ट पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ चलते जाओ एंड जस्ट वर्क हार्ड। और ये मत सोचो कि हाँ, कई बार ये बहुत होता है कि अगर आपने सपोज जुडिशरी का अटेम्प्ट किया और आप सक्सेसफुल नहीं रहे हो तो ये मत सोचो कि लाइफ खत्म हो गई है, ऐसा नहीं होता भाई, बहुत सारी चीजें हैं, जो आपकी नॉलेज है वो तो आपके साथ ही रहेगी ना, तो वो नॉलेज कभी ना कहीं आपको जरूर बेनिफिट करेगी। एक अच्छा एडवोकेट बनने के लिए भी तो आपको नॉलेज चाहिए, तो चाहे जहां मर्जी जाओ अगर आपने प्रिपरेशन करी है तो आपको दैट विल गोइंग टू हेल्प डेफिनेटली। लाइक अभी एक क्वेश्चन आ रहा है, I want to prepare for prosecution also. तो यस, अगर आप प्रोसिक्यूशन ऑफिसर के लिए प्रिपरेशन करते हो तो सेम सब्जेक्ट ही होते हैं, मेनली जो चीजें जुडिशरी के एग्जाम में होती है वही चीजें होती है, तो लाइक आई ऑलवेज से कि अगर आप जुडिशरी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो यहाँ पे है, तो उसके बाकी जो नीचे वाले जो एग्जाम है वो तो आप डेफिनेटली आराम से क्लियर कर सकते हो ना, उसके लिए तो कुछ चाहिए ही नहीं, उसके अंदर तो बहुत ज्यादा चाहिए। So, ma'am, if you have time, can we keep next 10 minutes की बहुत सारे, क्योंकि जैसे ही मैंने पोस्ट किया था आपके बारे में कि जो डिजिटल प्रेजेंटेशन पे आ रहा है तो बहुत सारे क्वेश्चन आए और अभी भी कमेंट बॉक्स में बहुत सारे क्वेश्चन है, सो next 10 minutes you can send as many questions, ma'am, यहीं पे है 10 minutes के लिए, कुछ भी पूछ लो ma'am, सब आंसर करेंगी। जितेंद्र हाय, बस मैम आया आपका क्वेश्चन, मैं तब तक ओपन वाले रीड कर लेती हूँ जब तक नए आ रहे हैं। हाँ श्योर श्योर।
मैम एक क्वेश्चन है, इज इट नेसेसरी टू जॉइन द प्रीमियर इंस्टीट्यूट लाइक राहुल आईएएस और एनी एम्बियंस एज फीस आर क्वाइट हाई एंड एवरीवन कांट अफोर्ड इट? I, to be very honest, I don't think so. देखो, पढ़ाई आपको वहां पे भी वही कराई जाएगी, पढ़ाई आपको यहाँ पर भी वही कराई जाएगी. या नॉट जस्ट मी, देयर आर अदर इंस्टीट्यूट्स एज वेल, बट मुझे ऐसा लगता है कि वहां पे स्टूडेंट्स इतना ज्यादा होता है ना कि आपका पर्सनल कनेक्शन जो होता है वो मिस हो जाता है. एंड कई बार मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना मोटिवेशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है. हम सबने देखा है कभी ना कभी जब आपकी लाइफ में लो आता है ना तब तो आपको मोटिवेशन चाहिए होता है कि नहीं अब आपको कोई मोटिवेट कर देता तो आप अगले दिन से भी और ज्यादा मेहनत करने लग जाते हो. प्लस आपकी जो क्वेरीज होती है वो टाइम टू टाइम सॉल्व नहीं हो पाती है वहां पर. तो ऐसा नहीं है, आई एम नॉट सेइंग कि दे आर नॉट गुड इंस्टीट्यूट्स एज दे आर आल्सो गिविंग रिजल्ट्स, बट ऐसा नहीं है कि आपको ज्यादा फीस देके ही पढ़ना है. लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे इंस्टीट्यूट से ऐसे ऐसे बच्चे क्लियर हुए हैं जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है. तो ऐसा नहीं है कि आपको प्रीमियम इंस्टीट्यूट में जाना है, बट सबसे ज्यादा मेहनत होती है वो आपकी होती है. आपको इसके चैनल भी मिल जाएगा यूट्यूब पे, वहाँ पे आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो. एंड इस चैनल पे भी आप मुझे फॉलो करके आपकी कोई भी क्वेरी है तो वहाँ भी भेज सकते हो. एंड इनफैक्ट यू कैन रेज द क्वेरी एट द कॉन्टैक्ट नंबर 9654646965. आप यहाँ पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो. मैम नाजिम ने पूछा कोचिंग करने, चलो ये तो हो गया. हाउ डू यू प्रैक्टिस विद सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट? आई डोंट प्रैक्टिस इन सुप्रीम कोर्ट, आई ओनली प्रैक्टिस इन हाई कोर्ट. सो इफ यू वांट टू प्रैक्टिस विद सुप्रीम कोर्ट आई वुड लाइक टू आंसर, आप अप्लाई करिए, आप ईमेल के थ्रू उनके पीआर के थ्रू अप्रोच करिए उन्हें, जो भी सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट के पास आपको प्रैक्टिस करना है. मैम प्लीज टेल मी हाउ टू बिकम एन एडवोकेट इन सुप्रीम कोर्ट. सो सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट बनने के लिए आपको AOR एग्जाम देना होता है, दैट इज एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड. तो उसमें कुछ मिनिमम अपीयरेंसेस होती है जो आपको सुप्रीम कोर्ट में पहले देनी होती है, उसके बाद ही आप एलिजिबल होते हो फॉर द एग्जाम. रिया ने पूछा कैन यू गाइड हाउ टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशरी एग्जाम्स? एज आई टोल्ड यू कि आप जुडिशरी एग्जाम के लिए जब भी स्टार्ट कर रहे हो तो आप अगर आप कोई कोचिंग नहीं ले रहे हो तो उस केस के अंदर आपको कुछ बुक्स, आप जो बेसिक बुक्स है आपको हर शॉप पे मिलेंगी, कुछ बुक्स जो है वो आप परचेज कर सकते हो. बट अगेन आई वुड नॉट प्रेफर, आप बेयर ऐप से पढ़ना सबसे पहले स्टार्ट करो. और उसके साथ साथ अगर आपको कोई भी बेयर ऐप नहीं समझ आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू दैट, आप गूगल करो, आपको बहुत इजीली जजमेंट्स मिल जाएंगी, उन जजमेंट्स को पढ़ना शुरू करो. एंड या एक चीज मैं भूल गई थी बताना कि आप सिर्फ और सिर्फ इफ यू आर गुड इन लॉ तो उससे भी आपका पेपर क्लियर नहीं होगा. तो आपको बाकी चीजें भी करनी है. लाइक मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि संडे को मत करो, बिल्कुल मत करो, क्योंकि हर किसी को ब्रेक चाहिए होता है. बट संडे को आप दो काम करो, एक तो आप अपना ट्रांसलेशन करो हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी, वो हर स्टेट में ही है, ठीक है. प्लस उसके साथ में आप एक आंसर राइटिंग बस संडे के संडे करो और अपना जनरल नॉलेज का पढ़ना शुरू करो, करंट अफेयर से अपडेट हो. मतलब न्यूज पेपर तो आपको रोज पढ़ना ही पढ़ना है. अगर आप न्यूज पेपर नहीं पढ़ रहे हो ना, सोच रहे हो कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, नॉट पॉसिबल एट ऑल. मैं आपको एक एग्जाम्पल, एक इंसिडेंट बताती हूँ. वन ऑफ माई स्टूडेंट अपीयर इन दी एम पी जेएस, उसका इंटरव्यू था. जो सुबह के न्यूज पेपर में क्वेश्चन आया था वही उससे पूछ दिया गया इंटरव्यू के अंदर. और क्वेश्चन क्या है, सुबह के न्यूज पेपर में जो आर्टिकल आया था उससे उससे क्वेश्चन पूछ दिया. तो आपके चाय में आप
तो आपको चाहे पी जा रहे हो, इतना कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए. तो 8 घंटे अगर आप दिन में पढ़ रहे हो, बट ये जो आपने चीज पढ़ी है ना वो आपके माइंड में घूम रही है पूरा टाइम. जब तक आप सो नहीं रहे हो तब तक आपके माइंड में वो चीज घूम रही है. तो यस, 14 hours ऑफ इन्वॉल्वमेंट विद लॉ इज इम्पोर्टेंट. बट यस, अगर मैं कहूँ कि 14 hours पढ़ना नहीं, इतना ज्यादा मुझे नहीं लगता पढ़ने की जरूरत होती है. एग्जैक्टली, बट अपडेटेड रहना चाहिए. फिर भी ये नहीं कि बिल्कुल ही छोड़ दो पढ़ाई, थोड़ा अपडेट. मैम अगर एक चीज इंटरप्ट करना चाहूंगी, पढ़ रहे हो अगर आप, तो साथ में जो जजमेंट आती है तो उन जजमेंट के ऊपर कई बार न्यूज में बहुत कुछ आता है, तो कई बार वो भी बहुत बेनिफिशियल हो जाता है. तो कोई पूछ रहा था आपकी मंथली फीस क्या है फॉर योर इंस्टीट्यूट. फीस फॉर द कंप्लीट कोर्स इज 35,000 है कंप्लीट कोर्स की फीस. बट आप हमको अगर, जैसे मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि आप अगर एक महीना फ्री में पढ़ना, मतलब फ्री में नहीं, एक महीना अगर आप पहले पढ़ना चाहो तो आप 3,000 देकर पहले एक महीना पढ़ सकते हो. अगर सपोज आपको लगता है कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा या बहुत टफ है, तो फिर उस केस के अंदर आप आगे कंटिन्यू मत करिए. बट अगर आप पहला महीना पढ़ते हो तो आपको जो 3,000 होते हैं वो 35,000 के अंदर वो एडजस्ट हो जाते हैं. तो वो एडजस्टेबल अमाउंट है. काफी इकोनॉमिकल फीस रखी है मैम आपने वैसे. एक्चुअली मेरा मार्केट स्टैंडर्ड, हाँ, क्योंकि मेरा ये था कि देयर आर स्टूडेंट्स जो नहीं अफोर्ड कर पा रहे. कई स्टूडेंट्स हैं जो कि बहुत अच्छे हैं पढ़ाई में बट नहीं अफोर्ड कर पा रहे. सो दैट्स व्हाई मैंने कि अगर मैं ऑफलाइन इंस्टीट्यूट खोलती तो ऑब्वियसली खर्चे बढ़ते हैं, देन फीस भी बढ़ती. दैट्स व्हाई आई थॉट इट्स बेटर कि मैं ऑनलाइन क्लासेस दूं, ताकि जो लोग हैं वो अफोर्ड कर सके, जो लोग क्लासेस देना चाहते हैं, जो एक्चुअली कीन है टू जॉइन द इंस्टीट्यूट, वो जो एक्चुअली मतलब केपेबल है क्लियर करने के, वो ही ज्वाइन करे. अब एक क्वेश्चन है, सिद्धू मूसेवाले को अभी तक जस्टिस नहीं मिला, उनका केस ऑलरेडी पेंडिंग चल रहा है पटियाला हाउस में. वेरी रेगुलरली अगर आप अपडेटेड है न्यूज से, और उससे तो आपको आइडिया रहेगा कि कौन सी स्टेज पे पहुंच गया और कितनी जल्दी कन्विक्शन भी आने वाली है उस चीज पे. करेक्ट. देखो जस्टिस एक दो दिन में नहीं होता है, आपको जब आप पढ़ोगे ना तब आपको लगेगा कि वो कितनी सारी चीजें करती होती है. वी कांट से कि दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग. मैम इन द लास्ट सेमेस्टर ऑफ द कॉलेज व्हाट आर द इंपॉर्टेंट स्टेप्स अ स्टूडेंट मस्ट टेक. देखो जो उसके अंदर आपको टाइम पीरियड, लास्ट सेमेस्टर के अंदर हमें इंटर्नशिप के लिए काफी टाइम पीरियड मिलता है. तो अगर आप कहीं से भी लाइक एक बार अगर आप ट्राई जरूर करना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वो मुझे बहुत हेल्प किया था कि जो जजेस होते हैं ना, हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, उनके पास अगर आपको इंटर्नशिप मिल जाए एक महीने की, अगर आप टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर आप जुडिशरी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वहां पर ना अगर आप हाई कोर्ट के, जो भी आपके स्टेट के हाई कोर्ट्स हैं, उस हाई कोर्ट के अंदर अगर आपको इंटर्नशिप मिल जाती है तो वो बहुत बेनिफिशियल होता है. तो लास्ट सेमेस्टर के अंदर आपका जो पूरा फोकस होता है वो ये होना चाहिए कि आपको जितने भी आपके मेन सब्जेक्ट्स हैं उनको बहुत ही थरो रीडिंग करनी है, प्लस आपको इंटर्नशिप करनी है. नॉट जस्ट जजेस के पास सबको तो नहीं मिल सकती, तो अगर आपको किसी भी लॉयर के पास मिल रही है आप वहाँ पे इंटर्नशिप करो, उससे बहुत बेनिफिट मिलता है. क्योंकि जो प्रैक्टिकल नॉलेज होती है ना वो आपको चीजें याद भी रखने में हेल्प करती है. तो हम लोग खुद नोटिस करते हैं, जैसे हमें कॉलेज में चीजें नहीं याद होती थी बट कोर्ट में जाके हो गई वो चीजें याद. तो वो चीज एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप जितना ज्यादा हो सके लास्ट सेमेस्टर के अंदर आप अपने जो भी मेन सब्जेक्ट है उनको बहुत ज्यादा रिवाइज करो, इंटर्नशिप करो, प्लस अलॉन्ग विद दैट लास्ट सेमेस्टर अगर अभी तक भी नहीं करा है तो लास्ट सेमेस्टर से तो जजमेंट पढ़ना शुरू करो ही करो. Exactly. मेरे हिसाब से जजमेंट इज दी ओनली की फॉर दी लॉ स्टूडेंट. वो डे वन हो या डे लास्ट हो, उन्हें जजमेंट तो पढ़नी ही पड़ेगी इफ दे हैव अ पर्सनल. हाँ, एंड इट्स अ वर्सेस फिटिंग थिंग हर स्टूडेंट के लिए. लॉ स्टूडेंट तो मस्ट है. सो लास्ट 2 क्वेश्चन लेते हैं एज द टाइम इज रनिंग, और हम आपका बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हैं. सो स्टडिंग लॉ और स्टडिंग जुडिशरी, इसमें क्या फर्क है? स्टडिंग लॉ और स्टडिंग जुडिशरी के अंदर देखो ये डिफरेंस होता है कि जब आप लॉ पढ़ रहे हो तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं. आप जब लॉ के लिए स्पेसिफिकली पढ़ रहे हो, मतलब आप लॉ पढ़ रहे हो तो उसके अंदर आप कहीं भी जा सकते हो. आप
भी जा सकते हो, कॉर्पोरेट भी जा सकते हो, आप लिटिगेशन में जा सकते हो, आप टीचिंग लाइन में जा सकते हो, या फिर आप जुडिशरी के लिए भी जा सकते हो. बट व्हेन यू आर सेइंग कि आप जुडिशरी के लिए पढ़ रहे हो, तो वहां पे आपका माइंडसेट ये होता है कि आपको जस्टिस सर्व करना है, कि आपका मतलब मैं हमेशा ये बोलती हूँ स्टूडेंट्स को कि आपका एक बॉडी लैंग्वेज में भी चेंज आना चाहिए, नॉट जस्ट आपके पढ़ने के स्टाइल में, आपके एटीट्यूड में भी चेंज आना चाहिए. कि जब आप एक उसमें रूम में एंटर कर रहे हो ना, तो वहां पे भी ये होना चाहिए कि ओके दिस पर्सन हैज सम पर्सनालिटी, कि यस ही कैन बी अ जज. तो कपड़े आप क्या पहन के जा रहे हो वो तो चीजें भी बहुत मैटर करती है. तो जुडिशरी जब आप पढ़ रहे हो तो आप सिर्फ और सिर्फ जुडिशरी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, बेसिकली यू आर स्टडिंग फ्रॉम अ जज पॉइंट ऑफ व्यू. बट यस, चाहे आप लॉ को चाहे जुडिशरी को, बात एक ही है, आपको हर जगह पे लॉ पता होना चाहिए कि लॉ क्या. Exactly. So, ma'am, last two questions. Last year, ki, hello, ma'am, I am law student. It is my second year and I have to prepare for civil judge. From when should I start? Please tell me. If you are second year student, agar aapka 3 years course hai, so you can start. And if it's a 5 years course, so I think you should start from next year. 3 years ke baad, third year se main hamesha suggest karti hu apne students ko ki aap start karna shuru karo. और अगर आप 3 ईयर स्टूडेंट हो तो फिर तो आप ऑलरेडी एलिजिबल हो, स्टार्ट करो ऑलरेडी, बहुत टाइम मिलेगा प्रिपरेशन में. सो लास्ट क्वेश्चन, AIIB एग्जाम के लिए क्या इम्पोर्टेंट टिप्स हैं और क्या इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स दिए AIIB एग्जाम के लिए? अगेन जो भी हमारे मेन सब्जेक्ट्स हैं वो सारे CRBC हो गया, बाकी सारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सब इम्पोर्टेंट हैं. चाहे वो CRPC है, चाहे क्रिमिनल सिविल केस, चाहे वो सब्सटेंशियल लॉ है, चाहे वो प्रोसीजरल लॉ है, दे ऑल आर इंपॉर्टेंट. बट द बेस्ट पार्ट इज यू आर अलाउड टू गो विद द देयर एक्ट्स. तो वहाँ पे आपको ये बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है कि आपको सेक्शंस याद करने की जरूरत नहीं होती है. और AIIE के लिए भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन पे बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ता है. लाइक अगर आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को उठा के देखोगे तो AIIE के एग्जाम में जितने भी लैंडमार्क जजमेंट होती है कॉन्स्टिट्यूशन की, या फिर जो भी जजमेंट्स आई है लेटर अभी रिसेंटली, वो बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है. मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि AIIE का एग्जाम जो है वो इट्स ऑल अबाउट क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन. हाउ कैन यू, मतलब उसमें बेसिक देखा जाता है कि आपको लॉ की कुछ अवेयरनेस है या नहीं, आपको बेयर एक्ट पढ़ना आता है या नहीं आता, क्योंकि बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं उसमें, डरने वाली बिल्कुल बात नहीं होती है. बहुत इजी आप, अगर आपने लॉ स्कूल अच्छे से पढ़ा है, आपने सब कुछ अच्छे से ध्यान से चीजें की है, तो आपको बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं लगेगा वो. अभी जो आप भी बात कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट में कैसे एनरोल किया जाता है, उसका भी जो एग्जाम होता है उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो कॉन्स्टिट्यूशन अगर हाँ एक चीज है, अगर आप जुडिशरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो चाहे आपके सिलेबस में नहीं भी है कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप ये मत सोचिए कि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं करना है. दे कैन आस्क यू एनीथिंग एंड एनीथिंग फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन इन इंटरव्यू, और अगर वहां पे आप आंसर नहीं करोगे तो आपकी सारी मेहनत जो है वो बेकार. यस एग्जैक्टली. सो एक लास्ट क्वेश्चन, कैन वी डू इंटर्नशिप फ्रॉम 1 ईयर ऑफ LLB 5 ईयर, मतलब फर्स्ट ईयर में है और वो 5 ईयर LLB में, तो इंटर्नशिप वो कर सकते हैं स्टार्ट? सी ये आपका कॉलेज टू कॉलेज मैटर डिपेंड करता है. कई कॉलेजेस जो है वो अलाउ कर देते हैं, बट कई कॉलेजेस आपको अलाउ नहीं करते हैं. इट्स लाइक अगर आपको कॉलेज अलाउ नहीं कर रहा है तो आपका जो वेकेशन टाइम है, आप वेकेशन टाइम में किसी भी लॉयर को आप ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पे इंटर्नशिप कर सकते हो. देखो इंटर्नशिप मेरा इसमें पर्सनल जो है कि आप ऑनलाइन भी कर सकते हो आप कॉलेज के साथ साथ, बिकॉज बार काउंसिल की गाइडलाइंस है कि आपको कॉलेज अटेंड करना ही करना है, बट आप ऑनलाइन अगर आपको हार्ड वर्क करना है तो यार वो ना डाउनलोड नहीं हो सकती इंस्टा वाली वीडियो थी. Exactly. बस 1 मिनट की और रह गई, 48 मिनट्स की. थैंक यू मैम, इट वाज अ लवली सेशन एंड इट वाज सच एन इनसाइटफुल सेशन. इतने सारे क्वेश्चंस और इतने सारे आपने रैपिडली इतने लोगों के डाउट किया करे. आई होप हम दोबारा से राउंड 5, 6, 7 ऐसे करते रहे. ये तो हमारा 14th सेशन था, पर उसके बाद आगे भी हम कंटिन्यू रखें. थैंक यू मैम फॉर कमिंग. थैंक यू मैम, थैंक यू आपने बुलाया मुझे यहाँ पर, एंड इट वाज सच अ ग्रेट प्लेजर. यहाँ पे आके बहुत मजा आया, स्टूडेंट से बात करके भी बहुत मजा आया. बाय. वही तो कह रही हूँ.